ओम शांति। आज 2 जुलाई 2022 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। आज के मुरली का सार मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, माया के प्रभाव से बचने के लिए तुम घड़ी घड़ी अपने सच्चे प्रीतम को याद, घड़ी घड़ी अपने सच्चे प्रीतम को याद करो। तो किसे बचेंगे? माया के प्रभाव से। माया क्या है? माया होता है अभाव, माया होता है अभाव। उस अभाव के कारण वो आते हैं विकार। जैसे ज्ञान का अभाव हुआ तो उसकी जगह पर क्या आ गया? यदि ज्ञान का अभाव नहीं होता तो अज्ञान नहीं आता। प्रकाश का अभाव हुआ तो अंधेरा आया। अंधेरा और कुछ नहीं है, एब्सेंस ऑफ लाइट। प्रकाश नहीं है तो अंधेरा आ गया। तो इसी प्रकार शांति नहीं है तो अशांति आ गई, प्रेम नहीं है तो नफरत आ गया। तो मतलब जो गुण जितना जितना कम होता गया उसकी जगह पर रावण आया। माया का काम है, माया है अभाव और रावण है उस स्थान को भरने वाला, उस स्थान को भरने वाला। मतलब अंतर को बहुत अच्छी तरह बुद्धि के अंदर समझना है, माया है। और एक एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे बताया कि गिलास दूध भरा हुआ है और उसे पीकर मैंने वह एक चौथाई खाली किया, तो एक चौथाई खाली हो गया ना। ये खाली होना है माया, वो तो उस खाली को भरा आकाश ने, तो वो है रावण। मेरे अंदर 100% ज्ञान है, मेरे अंदर 5% बैटरी डाउन हो गई है, तो जो 5% उसकी जगह पर अंधेरा आया, अज्ञानता आई, वो रावण है। अंतर अंतर स्पष्ट हुआ? मतलब माया में और रावण में बहुत अंतर है। सामान्यता इस बात को समझते नहीं, क्योंकि माया का अर्थ तो है नहीं है जो, क्योंकि माँ माना नहीं है या माना जो नहीं है जो। जैसे हम और सीधा समझते हैं, हमारे पास यहाँ पर 100 वाट का बल्ब जल रहा है, तो अब उसके बाद मैंने क्या किया कि उसी जगह पर 90 वाट का बल्ब लगा दिया, 10% लाइट कम हो गई, तो 10% उसकी जगह पर क्या आ गया? वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है ना, आ गया ना। इसी प्रकार हम 100% प्योर थे, हमारे अंदर 1% अज्ञानता आई, वो दिखाई नहीं दे रही थी क्योंकि लाइट अच्छी थी। परंतु उसके बाद जैसे ही हम 50 पर आए, 50% वाला और 100% वाला रोशनी में और अंधेरे में तो बड़ा अंतर आ गया ना। 100% वाले बल्ब की जगह पर, ट्यूब की जगह पर 50% वाला बल्ब ट्यूब जलने लगा तो कमरे में लगा मजा नहीं आ रहा। इसी प्रकार से धीरे धीरे 40 हुआ, 20 हुआ, 10 हुआ, अब 0 वाट का बल्ब चल रहा है, 1 वाट का बल्ब चल रहा है। तो हम समझ सकते हैं इस बात को कि ये काम होना माया है, तो उस जगह पर जो आया वो राम। तो ये अंतर हमें अपनी बुद्धि के अंदर बहुत अच्छी तरह से समझना। मतलब माया रावण एक ही एक बात बोल देते हैं, मतलब उसकी तरफ ध्यान नहीं देते क्योंकि माया रावण में क्या अंतर है। तो अब क्या है कि जितना हम परमात्मा पिता प्रीतम कहो, परमात्मा कहो, पिता कहो, उसको याद करेंगे तो क्या होगा कि हमारे अंदर अभाव आना तो बंद हो जाएगा ना, भरना शुरू होगा। तो पहले अभाव आना तो बंद हो गया ना, मतलब हम 1 से 2 हुए, एक 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 वाट के बल्ब से 2 वाट हुए,
तो हमारे अंदर जो कम होता जा रहा था वो तो खत्म हुआ ना, अब हम आगे बढ़ना शुरू हो। जितना जितना हम लाइट भरते जाएंगे उतना अंधेरा बाहर निकलता जाएगा। तो रावण निकल, याद करो माना बाबा की श्रीमत पर चलो, क्योंकि बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो सुधार तो आएगा ही आएगा, सीधी सी बात है। प्रीतम आया है, तुम सब प्रीतिमाओं को अपने साथ वापस घर ले जाए। क्यों ले जाएगा घर? सुलाने, सो जाओ घर जाने के, सोने सोने सुलाने के लिए थक गए हो रोल प्ले करते करते, चलो थोड़ी देर क्या करो रेस्ट। परंतु जाने से पहले सबको प्योर बनाता है, शुद्ध बनाता है। प्रश्न, कौन सा राज जानने के कारण तुम बच्चे शांति व सुख मांगते नहीं? आज बहुत अच्छे पॉइंट समझाई है इसके अंदर। कौन सा राज जानने के कारण तुम बच्चे शांति व सुख मांगते नहीं? मैं आत्मा का गुण ही शांति और सुख है, परंतु ये राज समझ में आ गया है नहीं? मेरा बाप भी शांति का सागर, सुख का सागर है, मेरा घर शांति धाम है। ड्रामा का राज समझ में आ गया, तुम ड्रामा के राज को जानते हो, तुम्हें पता है कि ये नाटक पूरा होगा। हम पहले शांति में जाएंगे फिर सुख में आएंगे, पहले जाएंगे शांति में फिर आएंगे सुख में। इसलिए तुम शांति व सुख मांगते, सुख शांति दे भगवान, दो ही चीजें मांगते, बाकी चीज तो अलग अलग मांगते हैं, तो इन दोनों को इकट्ठा मांग। और उसका राज बाबा क्या समझा रहे हैं कि सुख आपको मिलेगा सुख धाम में और शांति आपको मिलेगी शांति। अपने शांत स्वरूप में स्थित होते हो, मनुष्य तो अपने स्वधर्म को भी नहीं जानते, मनुष्यों को तो अपना स्वधर्म भी पता ही नहीं है। हमें अपने धर्म की पता है, आपका कौन सा धर्म है भाई? आपका कौन सा धर्म है? आपका देवी देवता धर्म है। आपका कौन सा धर्म है? आप कौन हो? आत्मा। आत्मा कोई देवी देवता होती है? आत्मा का धर्म होता है शांति, आत्मा का स्वधर्म अपना धर्म है शांति। ये तो देह के धर्म, मैं हिंदू हूँ मुस्लिम हूँ सिख हूँ क्रिश्चन हूँ बौद्धि हूँ, ये देह के धर्म, आत्मा का ये धर्म नहीं होते। आत्मा के सात गुण हैं, है नहीं? बस, और उसके पास कुछ उसके कारण आती है, सात गुणों से आठ शक्तियां आती है। यदि सात गुण नहीं है तो आठों शक्तियां भी नहीं। सात तो गुण है और उनकी धारणा से जो परिणाम मिलता है वो है शक्ति। दोनों में अंतर है, वो है परिणाम, हमारे अंदर परखने की शक्ति आ गई, निर्णय करने की शक्ति आ गई। ये गुण है तो वो शक्तियां आएंगी, यदि गुण नहीं है तो वो शक्तियां। जितना जितना गुणों का अभाव उतना उतना शक्तियों का भी अभाव होता है, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है, क्या परख करेंगे, पहचानेंगे क्या? ज्ञान हो तो कोई चीज पहचानेंगे ना, पहले तो ज्ञान चाहिए, सच क्या है और झूठ क्या है, रॉन्ग क्या है और राइट क्या है, तब तो निर्णय करेंगे। ऐसे सातों गुणों के आधार पर हमें आत्म शक्तियां प्राप्त। ड्रामा के राज को भी नहीं जानते, इसलिए कहते हैं मेरे मन को शांति दो। आज दो शब्द हैं, मन
आज बाबा कहते मन को शांति नहीं चाहिए, ड्रामा के राज को भी नहीं जानते, इसलिए कहते हैं मेरे मन को शांति दो। अब शांति तो वास्तव में आत्मा को चाहिए। अब ये मुरली आज विशेष दो ही बातों पर चलाई है समझाने का कि मन और आत्मा में अंतर। आज की मुरली का रिजल्ट क्या है कि मन को शांति नहीं चाहिए, शांति किसको चाहिए? आत्मा। ये किस जिसने ना ये वीडियोस देखा हुआ है ना मन बुद्धि संस्कार वाला, वो इसको समझ ले। जिसने मन बुद्धि संस्कार वाला वीडियो नहीं देखा इसमें सारा समझना है। मन का काम क्या है? क्यों क्यों गड़बड़ करते हो? कोई और बताए तो चलो ठीक है। पहले मन को बहुत ध्यान से समझना है। आत्मा और एटम, आत्मा और एटम। एटम अंग्रेजी का शब्द है, अणु को कहते हैं। आत्मा, आत्मा और आत्मा जो है प्रकाश का सबसे सूक्ष्मतम रूप है। एटम बाकी किसी भी तत्व के सबसे छोटे रूप को कहा जाता है एटम। एटम के अंदर तीन चीजें होती हैं, मन बुद्धि और संस्कार। आप एटम देख रहे हैं, इस एटम में तीन चीजें दिखाई है, अब देखना चाहें तो देख सकते हैं। पहले है आउटर लेयर। ये आउटर लेयर जो है ये आत्मा का मन है। ये आउटर लेयर मन बुद्धि और संस्कार। और ये जो आउटर लेयर देख रहे हैं हम, ये आउटर लेयर जो है इलेक्ट्रॉन कहेंगे, जो बाहर से बाहर रहता है सिर्फ, और उसके अंदर होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन बुद्धि और प्रोटॉन संस्कार, जिसको नीले और लाल रंग में दिखाया है। तो इसको हम ध्यान से देखेंगे। बाबा ने हमें समझाया कि आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन बुद्धि और संस्कार। अब मन का काम, आज तक हम सोचते थे मन का काम है सोचना, परंतु अब परमपिता परमात्मा ने समझाया कि मन है शरीर और आत्मा के बीच की कड़ी। क्योंकि आउटर लेयर है ना, आत्मा का बाहरी पर्दा है ना एक किस्म से। अब ये बाहरी पर्दा है तो ये शरीर के संपर्क में आता है। जब ये शरीर के संपर्क में आएगा, यहां से जो भी आत्मा ब्रेन में हमारे पास जहां बैठी है, यहां से 2-3 इंच अंदर जहां हम देख रहे हैं रीढ़ की हड्डी जाकर के किसको, मस्तिष्क को लेकर खड़ी है, जहां से सारे मैसेज ब्रेन से पूरी बॉडी से होते हुए रीढ़ की हड्डी के माध्यम से ब्रेन में पहुंचते हैं, वहां आत्मा बैठी है जो इसकी ऑपरेटर है। अब उसकी जो आउटर लेयर है वो उस मैसेज को रीड करती है, ठंडा है, गर्म है, मीठा है, खट्टा है, तीखा है, चोट लग गई है, क्या हुआ है, कैसा रंग है, जो भी मैसेज है पूरी बॉडी के कहीं से भी कोई भी मैसेज जो भी आता है उसे मन रीड करता है और उसे अपनी लैंग्वेज में बुद्धि को देता है, और तुरंत बुद्धि डिसीजन करती है कि ये करना है ये नहीं करना। बुद्धि क्या करती है? डिसीजन करती है कि ये करना है ये नहीं करना है। होता है ना, जो बुद्धि का डिसीजन है वो मन बॉडी से कराता है, वो मन बॉडी से कराता है। और मन कितना एक्टिव है, मन कितना एक्टिव है, उसे रेस्ट मिल सकता है, उसे शांति कहां से आई, उसको शांति की जरूरत ही नहीं। मन को बाबा कहते शांति की जरूरत ही नहीं है। मन
अमन नहीं होता। बाबा की मुरली के शब्द हैं, मन कभी अमन नहीं होता, शांत नहीं होता। मन तो चलेगा ही चलेगा जब उसने शरीर ले लिया, यहां तक के वो परम धाम से आ गया, अब वो मन से अलग नहीं हो सकता। इसीलिए आत्मा जब शरीर को छोड़ती है तो अब मन का रोल खत्म, तो एक ही सेकंड के लिए खत्म होता है। बुद्धि के द्वारा वो आत्मा विद इन ए सेकेंड मां के गर्भ में प्रवेश करती है, फिर बॉडी के संपर्क में आकर काम करना शुरू कर, इसलिए उसे एक ही सेकंड में यहां से शरीर छोड़ा और सीधा गर्भ में प्रवेश करना। तो मन का काम है बॉडी का मैसेज बुद्धि को देना, बुद्धि का मैसेज बॉडी को देना, बॉडी से करवाना। तो मतलब समझ गए कि ये एक मीडिएटर है, ये किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं करता, यह है एकदम निष्पक्ष संदेश वाहक, निष्पक्ष संदेश वाहक। और आत्मा जब परम धाम में जाती है, शरीर से अलग हो जाती है, तो मन का रोल खत्म, फिर संस्कार जाते हैं, बुद्धि जाती है, मन है परंतु मन का कोई रोल नहीं परम धाम में, क्योंकि इसको कोई भी मैसेज नहीं मिल रहा, ये किसी को ऑर्डर भी नहीं कर रहा। तो वहां बुद्धि और संस्कार का काम रहता है, बुद्धि भी क्या करे, उसको कोई मैसेज नहीं आ रहा, ये मैसेज का, इसलिए वहां संकल्प नहीं है, इसलिए वहां संकल्प नहीं है। अलार्म बजता है, आत्मा वहां से सीधा बॉडी में एंटर करती है एक ही सेकंड के अंदर, और तुरंत संकल्प शुरू, कार्य शुरू। तो इसलिए मन को, मन कभी भी अमन नहीं हो सकता, मन को कभी शांति की जरूरत नहीं है। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। शांति किसको चाहिए? गीत प्रीतम आनंद ओम शांति, जैसे शास्त्रों में कोई कोई बात समझ में आती है, उसमें भी गीत गीता में कोई कोई बात ठीक है, कोई कोई बात ठीक है, वैसे गीतों में भी कोई कोई बात ठीक है, गीतों में भी क्या है, कोई कोई बात ठीक है। अब प्रीतम अक्षर तो ठीक कहा है, दूसरा शब्द बहुत अच्छी तरह समझा रहे हैं, वो तो उसको ध्यान नहीं देते कोई भी। दूसरा शब्द क्या समझा रहे हैं, अब प्रीतम अक्षर तो ठीक है परंतु जियरा बुलावे, जियरा वो जियरा आत्मा को कह देते। यहां बाबा ने स्पष्ट किया जियरा शरीर, तो बुलाते नहीं, जीव में रहने वाली आत्मा, क्योंकि बाबा ने अलग किया है जीव अलग और आत्मा अलग, दुनिया वाले जीव और आत्मा एक ही कहते हैं, आत्मा को जीव कह देते हैं, जीव को आत्मा कह देते हैं, उनको अंतर समझ में नहीं आता, और डिक्शनरी में भी जीव माना आत्मा। हाँ, क्योंकि दुनिया बोलती है, डिक्शनरी तो वही लिखती है जो दुनिया बोलती है, डिक्शनरी अपने तरफ से कुछ नहीं करती, क्योंकि वो कहते हैं जीव माना आत्मा, उनको तो पता ही नहीं है जीव और आत्मा क्या होता है, जीव निकल गया आत्मा निकल गया। तो बाबा ने आके समझाया, बहुत क्लियर समझाया, बाबा के चित्र को यदि हम ध्यान से देखें तो हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। क्या दिखाया इसके अंदर कि ये है हमारा शरीर, शरीर को कहेंगे शरीर बिना आत्मा के शरीर, ये शरीर है ना खाली, तो ये है बिना आत्मा के शरीर। अब इसमें बिना आत्मा के शरीर में आत्मा जमा हुई तो क्या कहलाया, जीव आत्मा, मतलब जीव जमा आत्मा
जीव आत्मा, ठीक है नहीं। और फिर जैसे ही जीव आत्मा में से आत्मा निकल गई तो बिना आत्मा के जीव निर्जीव, बिना आत्मा के जीव निर्जीव, आत्मा सहित जीव सजीव। कितना क्लियर है मतलब ना। अब जिसमें आत्मा नहीं है वो निर्जीव है, चाहे वो पेड़ है, चाहे वो पौधे हैं, चाहे वो जीव जो हाँ, जिसमें आत्मा नहीं है वो निर्जीव। और कहते हैं पेड़ सजीव है, कैसे हो सकते हैं सजीव, उनमें आत्मा ही नहीं, उनमें आत्मा ही नहीं है। क्या कह रहे तो हम बात स्पष्ट हुई कि कितना क्लियर बाबा ने हमें समझाया है। जब तक ध्यान से नहीं देखेंगे तो समझ में, जीव में रहने वाली आत्मा बुलाती है किसको, प्रीतम को, क्योंकि आत्मा ही दुखी है। इस शरीर को तो कोई दुख होता ही नहीं, होता है, आत्मा निकल जाए इसको आग में चलाओ, टुकड़े टुकड़े करो, काट करके कुछ भी मर्जी करो, इसको कोई दर्द कुछ भी, कुत्ते खाए, कील खाए, कौवे खाए, कोई मर्जी। आत्मा पतित आत्मा कहा जाता है ना, पाप के काम करेगी, आत्मा में ही खाद पड़ती है, पावन आत्मा फिर पतित आत्मा बनती, खाद पड़ती है। आत्मा ही सतो प्रधान, आत्मा ही तमो प्रधान बनती है, सच्चा सोना ही फिर झूठा बनता है। ऐसे कभी नहीं कह समझना कि आत्मा निर्लेप है, ऐसे कभी नहीं समझना कि आत्मा निर्लेप है। दुनिया कहती है आत्मा क्या है, निर्लेप है। क्यों कहती है आत्मा निर्लेप है, कहते है आत्मा ही परमात्मा है। मनुष्य क्या समझते हैं, आत्मा सो परमात्मा, तो परमात्मा पर कोई असर नहीं होता, आत्मा पर भी कोई असर नहीं होता, इसलिए निर्लेप कह देते हैं, बहुत मूंछे हुए। ये किसकी मत है, ये किसकी मत है, स्पष्ट किया, रावण की मत, माया की मत नहीं, रावण की मत। माया के कारण रावण आया, माया के कारण रावण आया, माया ना होती रावण कहां से आता, 100 वाट का बल्ब जल रहा है, रावण कहां से आएगा, अंधेरा कहां से आएगा, तो अंधेर रोशनी में कमी आई, माया आई, तो रावण, तो रावण की मत है। ईश्वर अर्थ जो कुछ भी करते हैं, भक्ति आदि सब ईश्वर से मिलने अर्थ करते हैं, सबकी चाहना ही ये रहती है कि ईश्वर से कैसे मिले, ईश्वर से कैसे मिले। इनके लिए ही यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते हैं, फिर भी ईश्वर तो मिलता नहीं है। कितना करते हैं दान पुण्य तीर्थ, अगर ईश्वर मिलता तो तीर्थों पर नहीं जाते। वे आपने मंदिर बना रखा है, भगवान का मंदिर है, आप रोजाना भगवान की पूजा पाठ आरती कर, फिर बड़े दूर मंदिर देख रहे, क्या करने जा रहे हो, इधर भगवान है तो उधर कोई और भगवान है क्या, यदि इधर ही तुम्हारा भगवान है फिर उधर क्या देखने के लिए गए हो, कि उस मंदिर में क्या क्या सामान है मेरे मंदिर में नहीं है। सोचो मतलब बाबा कैसे ढूंढ ढूंढ के लाता है लाइन ना। अगर ईश्वर मिलता उनको मंदिर में जाने से, एक मंदिर में जाने से नहीं मिला, दूसरे से नहीं मिला, तो सोचते वहां हो शायद, तीर्थों पर नहीं जाते। समझो किसको मूर्ति का साक्षात्कार हो जाता है, जिस मूर्ति को पूजा करता है उसका ही उसको साक्षात्कार हो गया, परंतु वे भी ईश्वर तो नहीं मिला, भगवान तो नहीं मिला, केवल उसको देखा। ईश्वर को सब पुकारते,
हे पतित पावन, हे प्रीतम आओ, क्योंकि आत्मा को दुख होता है, शरीर को चोट लगती है तो आत्मा दुख को फील करती है, आत्मा को दुख फील होता है, आत्मा शरीर से निकल जाती है, फिर शरीर को कुछ भी करो आत्मा को कुछ लगता, कुछ नहीं लगता होगा, पूछ रहे, आत्मा और शरीर कंबाइंड हैं, तो आत्मा को फील होता है। तुम बच्चे जानते हो सतयुग में कोई दुख नहीं होता, क्योंकि वहां तो माया का राज्य ही नहीं होता। तुम पुरुषार्थ करते हो स्वर्ग में चलने का, जहां माया नहीं, ये माया का राज्य पूरा होने वाला है। मनुष्य तो बेचारे कुछ भी नहीं था। कहते हैं मन को शांति नहीं, ये नहीं कहते कि आत्मा को शांति नहीं, मन के लिए ही कह देते हैं आत्मा में ही मन बुद्धि है, आत्मा में ही मन बुद्धि है। आत्मा कहती है हमको शांति चाहिए, ऐसे नहीं कि मन को शांति, आत्मा शांति चाहती है ये भी समझते हैं हम। आत्मा परम धाम से आती हैं इस शरीर में, आत्मा को ऑर्गन्स मिलते हैं। आत्मा कहती है प्रीतम आन मिलो, आन मिलो। जीरा दुखी है, कौन दुखी है? अब जीव और मन में कितना फर्क है, जीव और मन में कितना फर्क है? मन और बुद्धि आत्मा की शक्तियां हैं और जीरा शरीर है। शरीर को तो कोई दुख होता ही नहीं, कितनी बड़ी गलती है, शरीर को दुख है, जीरा दुखी है। ये शरीर ऑर्गन्स है, इन बातों को और कोई नहीं जान। वास्तव में आत्मा का नाम लेना चाहिए, शांति आत्मा को चाहिए। अब आत्मा ऑर्गन्स द्वारा विकर्मों पर जीत पा रही है, विकर्मों पर जीत किसके द्वारा प्राप्त कर पा रही है? इन ऑर्गन्स के द्वारा, अंगों के द्वारा, ऐसे नहीं कि मन पर जीत पा रही। दुनिया वालों ने क्या कहा, मन के हारे हार है, मन के जीते जी। अब मन का पता ही नहीं ना, मन का तो पता ही नहीं है ना। उनको मन का पता लग जाए कि मन तो एक निष्पक्ष संदेश वाहक है शरीर और बुद्धि के बीच, वो तो अच्छा बुरा हो ही नहीं सकता, वो कभी गलती नहीं करता। हरा रंग है तो सीधा बताएगा हरा है, नीला है तो नीला, ये नहीं कि नीले को देख करके लाल है, ऐसे नहीं बताएगा। खट्टा है कितना खट्टा है, मीठा है तो कितना मीठा है, कैसा मीठा है, मतलब सारा पूरा संदेश उनको पहुंचाता है। बुद्धि फैसला करती है कि मीठा कम है तो और डालो, ज्यादा है तो अच्छा इसका हल ऐसे करो, नमक कम है, जो भी है, मतलब मतलब बुद्धि सारा दिन एक्टिव रहती है, मन को ऑर्डर करती रहती है। मन का काम है बॉडी का मैसेज बुद्धि को देना और बुद्धि का आदेश तुरंत बॉडी से पालन कराना, मतलब एक्टिव। परमपिता परमात्मा की श्रीमत से बाकी मन को शांति चाहिए ये कहना भी रॉन्ग है, ये कहना भी क्या है, रॉन्ग है। ऐसे नहीं कि मन को सुख चाहिए, ना मन को शांति चाहिए और ना मन को सुख चाहिए, मन को तो कुछ नहीं चाहिए।
आत्मा शांति मांगती है क्योंकि उनको अपना शांति धाम याद है, क्योंकि वो शांति को अनुभव किया हुआ है इसलिए वो शांति मांगते हैं, क्योंकि शांति धाम इसलिए शांति मांगते हैं, वरना क्यों मांगे शांति। उनको शांति धाम याद आता है। अभी तुम बच्चे आत्मा और परमात्मा के भेद को जान गए हो। बाप कहते हैं, हे प्रीतमाएं, अपने प्रीतम को घड़ी घड़ी याद करते। प्रीतम को याद करना माना उसका नाम बैठ के रटे, उन्होंने क्या आदेश दिए, क्या श्रीमत दिए, क्या डायरेक्शन दिया, उस पर चलना ना। हमारे पास एक भाई थे, उसने शादी होके आए, उसने कहा देखो चाहे तुम्हारा बाप भी आ जाए ना, उसको अंदर नहीं घुसने देना है। कोई भी आ जाए, उसने तो ये कहा ना, कोई भी आ जाए, चाहे आपका बाप भी आ जाए, उसको उसका रियल में बाप आ गया और उसने अंदर नहीं घुसने दिया। जब तक पति नहीं आया तब तक उसको अंदर नहीं घुसने दिया, बाहर बैठे रहो। तो क्या किए गए हैं, चाहे तुम्हारा बाप आ जाए उसको अंदर नहीं आने दे। तो ऐसे मतलब हमें बाबा के आदेश को पालन करना। बहन जिंदा है अभी तक तो? हाँ, मैं झूठ नहीं बोला, सच्ची बात बता रहा। नहीं नहीं, मुझे याद आ गया इस पर अचानक, नहीं बनाने बनाए बनावटी बात नहीं बता रहा, रियल है ये फैक्ट। आपने देखा है उसको, भाई आते थे ना, नहीं देवीलाल नगर में, वो मर गया वो भाई को, उनकी युगल मिसिस है, उनको साइकिलों की दुकान थी, पलटू उनका बच्चे हैं। हाँ, देखा हुआ आपने उसको, बाकी नाम मेरे को याद नहीं आ रहा। घड़ी घड़ी याद करते रहो। प्रीतम भी जानते हैं कि इन पर माया का बहुत वार है। घड़ी घड़ी माया भुला कर देह अभिमान में ले आती है। आत्मा को पहचान मिलती है, हम शांत स्वरूप हैं। आत्मा का स्वधर्म है शांति। स्वधर्म को भूल आत्मा दुखी होकर पुकारती है कि हमको शांति चाहिए, मुक्ति चाहिए। शांति के बाद फिर है सुख। सन्यासी तो ड्रामा के राज को जानते नहीं, शांति देश को भी नहीं जानते। तुमको पक्का पक्का निश्चय है, हम आत्मा परम धाम की रहने वाली हैं। हमने 84 जन्मों का पाठ बजाया है, अब पाठ पूरा हुआ। ये आत्मा कहती है, प्रीतम हमको मिला है भक्ति मार्ग में। सब प्रीतम को याद करते हैं। सच्चा प्रीतम एक है, एक का ही नाम लेते हैं। तुम सब समझते हो, हमको प्रीतम मिला है, मिला हुआ है। अब इस साधारण तन में बैठे हैं, इनका नाम ब्रह्मा है। तुम कौन हो? ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां हो। सबको ये समझाओ, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों के आगे और क्या लिखना है? प्रजापिता अक्षर ना आने से ये मूंछ हो जाए, इसलिए क्या लिखना है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी। प्रजापिता ना होने से मनुष्य समझ नहीं सकते। प्रजापिता को तो सब जानते हैं, ब्रह्मा को फिर सूक्ष्म वतन वासी समझ लेते। तुम प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे
तो समझेंगे प्रजा पिता ब्रह्मा कुमार, प्रजा पिता ब्रह्मा कुमारियां बरोबर। इसलिए पूछा जाता है प्रजा पिता से क्या संबंध है, पिता अक्षर तो पहले है ही प्रजा पिता, प्रजा पिता क्या है वो पिता हो गया, ठीक है। और परम पिता शिव परमात्मा, तो उसके साथ क्या संबंध है, वो भी पिता हो गया। अब तुम जान गए हो, एक है पारलौकिक पिता, दूसरा है प्रजा पिता ब्रह्मा अलौकिक पिता, और लौकिक बाप तो सब जानते हैं, कितने बाप हो गए। तुमने तीन पिताओं को अब समझा है, समझ गए ना, और कोई दुनिया में नहीं जानते कि हमारे तीन बाप हैं। कितने बाप हैं आपके, जाके जरा घर बताना मेरे तीन बाप हैं। कहेंगे ये पागल होके आ गई है, यानी इसके तीन बाप है, देख लो भाई। और कोई दुनिया में नहीं जानते, सतयुग में भी पारलौकिक बाप को नहीं जानते, वहां उनको एक पिता होता है। अब इस संगम पर तुम्हारे तीन पिता है, सतयुग में होता है एक बाप और अब है हमारे तीन बाप, तो दो बाप कब होते हैं, सतयुग में होता है एक बाप और संगम पर अब है तीन बाप, तो दो बाप कब होते हैं, द्वापर में, जब भक्ति शुरू होती है, जब दुख शुरू होते हैं। हाँ, ब्रह्मा अब मिलता है, सतयुग में होता है सिर्फ शरीर का पिता, फिर द्वापर में सबको जरूरत महसूस होती है परम पिता परमात्मा, और संगम पर प्रजा पिता ब्रह्मा। तो प्रजा पिता हमारा पिता कैसे है, वो है जीव आत्माओं का पिता। तो परमात्मा पिता कैसे है, वो है आत्माओं का पिता, और शरीर का पिता जीव का पिता, वो शरीर का पिता है, ठीक है। फिर कभी हो ना सके, फिर कभी तीन बाप नहीं होते। एक है ऊंचते ऊंच बाप जिससे वर्षा मिलता है, दूसरा बच्चा ब्रह्मा जिससे बच्चों को अडॉप्ट करता हूं, ब्रह्मा मुख वंशावली गाए हुए हैं, वे ब्रह्मा ब्राह्मण लोग सिर्फ कहते हैं हम ब्रह्मा की औलाद हैं, हम ब्रह्मा की औलाद हैं, परंतु ऐसे नहीं समझते कि हम ब्रह्मा की मुख वंशावली हैं। वे तो है ही कुख वंशावली, वो तो है ही कुख वंशावली, मुख वंशावली सिर्फ इस समय ही होते हैं शिव के लिए, मुख वंशावली नहीं कहेंगे उनको, सब फादर कहते हैं, उनको सब फादर मानते हैं। तीन पिताएं हैं, शिव बाबा की और प्रजापिता ब्रह्मा की, सब संतान है। प्रजापिता ब्रह्मा भी सबका बेहद का बाप और शिव बाबा भी बेहद का बाप, दोनों बाप में क्या अंतर है, शिव बाबा है सिर्फ आत्माओं का पिता और प्रजापिता ब्रह्मा है सिर्फ मनुष्य जीव आत्माओं का पिता, वो सारी आत्माओं का पिता है, चाहे वो कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी की आत्माएं हो, परंतु ब्रह्मा किसका पिता है, जीव आत्माएं हो, उसके साथ शब्द लगाना है मनुष्य, मनुष्य जीव आत्माओं का पिता, बाकी दूसरे जीव आत्माओं का पिता ब्रह्मा। लौकिक में तो है ही पता है शरीर के, तो ये पक्का याद करना चाहिए। फिर समझाया जाता है परम पिता शिव बाबा का कोई बाप टीचर नहीं है, वो बिना बाप का है,
बिना टीचर का है, बिना गुरु का है। अच्छे ये तीन उसके कोई नहीं है। तो शिव बाबा आपका बच्चा है, शिव बाबा आपका बच्चा है, बस ये है ना। तो फिर आप माँ हुए, आप बाप हुए, नहीं हुए। सिर्फ टीचर और गुरु नहीं हो सकते, बाकी वो सारे रिश्ते हमारे साथ बनाता है, ठीक है नहीं। तो एक टीचर और गुरु हमें नहीं बनाता, हमें टीचर और गुरु बनावे ना, उसकी सारी ठीक कर दे बात सुधार दे उसको नहीं कि आप तो हमारा कहना मान, परंतु वो कहते मैं तुम्हारा कहना नहीं मानूंगा, चाहे तुम मुझे कुछ भी बना लो, मैं वो तुम्हारा बन जाऊंगा, परंतु तुम्हारा ऑर्डर नहीं मानूंगा, ऑर्डर तुमने मानना है, ये याद रखना। बना कुछ भी लो मुझे, चाहे नौकर बना लो, मैं नौकर बन जाऊंगा, परंतु कहना तुमने मेरा मानना है, मेरा कहना तुमने, मैंने तुम्हारा कहना, ये लाइन याद रख। रोज शिक्षा दे रहे हैं भिन्न भिन्न प्रकार की, तुम जानते हो कि प्रीतम हम प्रीतिमाओं को बैठ समझाते, वही पतित पावन है हमको ले जाने के लिए आए हैं, दुख से छुड़ाते हैं, तुम जानते हो अब ये दुख की नगरी बदली होकर सुख की होगी, रावण राज्य खत्म होना है, आखिरी मौत तो आएगा जरूर, रावण का बुत भी यहाँ ही बनाते हैं, राम राज्य और रावण राज्य बाप आकर समझाते हैं, इस रावण ने ही तुम भारतवासियों को का राज्य छीना है, हार और जीत तुम भारतवासियों की ही होती है, रावण के आने से तुम वाम मार्ग में चले जाते हो, रजो तमो होते होते तमो प्रधान हो जाते हो, रावण को तुम यहाँ जलाते हो, बरोबर रावण राज्य है, बाकी सीता आदि को चुराने कि कोई बात ही नहीं, ये तो राज्य ही रावण का है, सब मनुष्य मात्र रावण के राज्य में है, रावण राज्य में है दुख, राम राज्य में है सुख, राम राम भगवान को ही कहा जाता है, तुम्हारी बुद्धि वहां चली जाती है और कोई की बुद्धि में ये बातें है नहीं, बाप ही आकर पारस बुद्धि बनाते हैं, बरोबर नाम ही रखा जाता है पारसनाथ, वहां भी विष्णु के ही दो रूप हैं, कितनी गुंजाइश है समझने की, बाप बैठ डिटेल में समझाते हैं, तुम गीत का एक अक्षर सुनने से ही जग जाएंगे, गीत का एक अक्षर सुनेंगे ना तो आप जाग जाएंगे, प्रीतम आन मिले, कोई कोई अच्छे गीत हैं, तुम अब यात्रा पर जा रहे, कौन सी यात्रा है आपकी भाई, याद की, बैठे बैठे यात्रा कर, काम करते यात्रा करते, अपने को सुधारना, ये है याद की यात्रा, जानते हो रूहानी यात्रा हम ही करते, बरोबर हम सब आत्माओं का पंडा एक ही है, अब तुमको दुख से लिबरेट कर ले जाते हैं, सभी का गाइड वो एक ही है, सबको वापस मुक्ति धाम में ले जाने खुद आते हैं, जबकि इनको सबकी सदगति करने आना ही है, तो जरूर किस रूप में आएंगे ना, किसी रूप में तो आएंगे ना, घर बैठे इनको आना, बरोबर शिवरात्रि गाई जाती है, कोई से भी पूछो कि शिव तो निराकार है, फिर उनकी रात्रि कैसे होती है, जिनका नाम और रूप नहीं फिर उनकी रात्रि कैसे होती है, क्या नहीं उसका नहीं ऐसे बोल रहे हैं ना, वो बोलते उनसे पूछो
कि जिनका नाम रूप नहीं फिर उनकी रात्रि कैसे होती है। लिंग भी दिखाते हो, लिंग भी दिखाते हैं, उनका नाम भी रखा है शिवलिंग, तो रूप हो गया ना, नाम हो गया ना, फिर क्या कह रहे हो? रूप भी है, देश भी है, समय भी है, उनकी महिमा भी गाते हैं, सुख का सागर तो जरूर सुख देंगे ना। अभी सब पतित हैं जो गुणवान हैं, उन्हों के आगे जाकर गाते हैं, हमारे में कोई गुण, हम काले हैं, हम क्या हैं, गुण नहीं है, इसलिए क्या हो गए, काले। ये काली दुनिया है ना, काले बैंगन में कोई गुण ना, काले बैंगन में कोई गुण, काले अर्थात सांवरे पतित आदमियों में कोई गुण, गुण तो जो गोरे पावन हैं उनमें ही होंगे। तुम एक बाप से सुनते हो और कोई बात सुनते, आप सिर्फ किससे सुनते हो, बाप। एक दो को यही ज्ञान की पॉइंट सुनाओ, रिपीट कराओ, यहां जो सुख तुमको मिलता है, यहां जो धारणा होती है वे बहुत अच्छी। हॉस्टल में थोड़े दिन के लिए आते हो, मधुबन जाना मतलब हॉस्टल में जाना, जैसे हॉस्टल में सब रेडीमेड खाना मिलता है, जाओ सो पढ़ो, और थोड़े दिन के लिए आते हो, कोई चार दिन, कोई छह आठ दिन के लिए आते हैं, वे बैठ बाप से सुनते रहते हैं, ये निश्चय हो जाए कि हम मात पिता के साथ घर में बैठे हैं, ये ईश्वरीय घर है, दर कहो वा घर कहो, बात एक ही है, दर दर पे आया तो घर में भी आया, दर से अंदर घर में आया तो यहाँ ईश्वरीय घर है, भाई बहन है, इसलिए इनको इंद्रप्रस्थ कहते हैं, ये ज्ञान सब्ज परियां हैं, नंबर वार नाम रख दिया है, ये है शिव बाबा की दरबार। यहाँ से तुम बाहर जाते हो तो तुम्हारी अवस्था में रात दिन का फर्क पड़ जाता है। सर्विस पर जाने वालों की बुद्धि में ये रहता है कि सर्विस करें। ड्रामा चक्र को भी समझाना बहुत सहज है, हम अब तैयारी कर रहे हैं, बाबा हमें लेने के लिए आए, बाबा हमें लेने के लिए आए हैं, बैग बैगेज तैयार करना है, बाप का को पुराना कख पन देते हैं, बाबा बदले में सब सोना देते, कख पन लेते हैं, सोने के महल, कख तिनका क्या है तुम्हारे पास, कुछ भी किसी काम का ही नहीं, ज्ञान मान सरोवर में तुम डुबकी लगाते हो, ये है पढ़ाई की बात, ये है ज्ञान मान सरोवर, जिसमें डुबकी लगाने से आप फरिश्ते परियां बन जाते हो, वो पहाड़ पर ढूंढते हैं एक मान सरोवर है, उसमें जो डुबकी लगाते हैं वो फरिश्ते पर, आज तक कोई बना नहीं, कितने भी डुबकियां लगा के आ गए, कोई भी फरिश्ता परी आदि ये है पढ़ाई की बात, जिससे तुम स्वर्ग की परी बन जाते हो, बाकी परी और कोई चीज नहीं,
पंख आदि नहीं है। वहां के महल जेवर आदि कैसे अच्छे होंगे, अभी माया ने पंख तोड़ डाले। माया ने पंख तोड़ डाले, कौन से पंख तोड़ डाले हैं? उमंग उत्साह के, ज्ञान और योग के। क्योंकि ज्ञान और योग से उमंग उत्साह के पंख आते, उड़ नहीं सकते। ये समझने की बात है। समझाया जाता है आत्मा जैसे रॉकेट, रॉकेट ऊपर में जाते हैं तो समझते हैं खुदा के नजदीक जाते हैं। अब खुदा वहां कोई बैठा है क्या? खुदा के नजदीक जाते हैं, रॉकेट से जा रहे हैं। ये सारी पलटन आत्माओं की जाती है, बुद्धि में आना चाहिए। बाबा हमारा पंडा है, ढेर की ढेर आत्माओं को ले जाते हैं। बाप कहते हैं मेरा काम ही ये, मेरा काम ही ये है। मैं सहज राजयोग सिखाता हूं और ज्ञान सिखलाता हूं, मैं नॉलेजफुल हूं। मैं आता तो हूं ना, ना आता तो मुझे बुलाते क्यों? आता तो हूं ना, इनमें बैठ तुमको अपना परिचय देता हूं, जिससे तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है तो मेरे में भी पार्ट है। जो मैं रिपीट करता हूं, कितना पार्ट है बाबा में और हमारे में? चाहे कोई भी आत्मा हो, सब में 5000 साल का पार्ट है। तुम्हारा पार्ट जास्ती है, हमारा पार्ट ज्यादा है। मैं तो आधा कल्प के लिए वानप्रस्थ में बैठ जाता हूं, तुम्हारा ऑल राउंड पार्ट है। कहते हैं भगवान को प्रेरणा आई सृष्टि रचने की, समझते नहीं है। बाप कहते हैं मेरा पार्ट आता है तो मैं इस साधारण तन में आकर तुमको राजयोग सिखलाता हूं। मैं गर्भ में तो आऊंगा, आऊंगा नहीं, जरूर मनुष्य तन में ही आकर राजयोग सिखलाऊंगा या कछुए मछले में आऊंगा, आऊंगा। पूछ रहे क्वेश्चन है, मैं पतित को पावन कैसे बनाता हूं ये भी तुम जानते हो। शिक्षा बैठ देता हूं, परम पिता परमात्मा आकर सहज राज योग और ज्ञान सिखलाते, ज्ञान सिखलाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। इनको जादूगर भी कहते हैं, क्योंकि नरक को स्वर्ग बना देते हैं। तुमको सारा राज अच्छी रीति समझाते रहते हैं, सृष्टि का विनाश कैसे होगा अच्छी तरह समझाते रहते। यह आपस में कैसे लड़ेंगे, रक्त की नदियां कैसे बहेंगी, फिर दूध घी की नदियां बहेंगी। यह बाप बैठ समझाते हैं, पांडव लड़ते हैं क्या? बाप कहते हैं देह अभिमान छोड़, माम एकम याद करो तो अंत मति सो गति हो जाएगी। तत्व योगी समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु ब्रह्म में लीन अथवा ज्योति में कोई समाते नहीं। बाप कहते हैं मन मना सिर पर बोझा बहुत है, याद से ही विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो धर्म राज द्वारा बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। हमको तो बस शिव बाबा की याद में जाना चाहिए। अगर बहुत समय से याद नहीं करेंगे तो पिछाड़ी में वो अवस्था नहीं रहेगी, वो अवस्था
नहीं रहेगी। बहुत सन्यासी लोग भी ऐसे बैठे बैठे जाते। भक्तों की महिमा भी कोई कम नहीं है, भक्तों की महिमा भी कम नहीं है, फिर भी पुनर्जन्म तो सबको लेना ही। अब बाप कहते हैं हम सब आत्माओं को साथ ले जाऊंगा। रात दिन यही चिंता रहे, क्या चिंता रहे, कैसे बाप का परिचय सबको दे, कैसे बाप का परिचय सबको दे। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, एक बाप से ही सुनना है और कोई से कोई बात नहीं सुननी है। ज्ञान ही मुख से रिपीट करना और कराना है। नंबर दो, बाप के साथ वापस जाना है, इसलिए पुराना कखपन दे बैग बैगेज ट्रांसफर कर देना है। सबको बाप का परिचय मिल जाए, इसी एक चिंता में रहना, इसी एक चिंता में रहना। आज का वरदान, सदा सर्व प्राप्तियों की स्मृति द्वारा पाना था सो पा लिया, मांगने के संस्कार से मुक्त। मांगना नहीं, कौन नहीं मांगेगा, जिसको सब कुछ मिल गया, जिसको अभी नहीं मिला पूरा वो तो मांगेगा ना। सदा सर्व प्राप्तियों की, मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया, ये याद रहे ना, तो क्या होगा, मांगने के संस्कारों से मुक्त हो जाएंगे, संपन्न आत्मा बन जाएंगे। एक भरपूरता बाहर की होती है, स्थूल वस्तुओं से स्थूल साधनों से भरपूर, लेकिन दूसरी होती है मन की भरपूरता। तो मन से भरपूर रहता है उसके पास स्थूल वस्तु या साधन नहीं भी हो, फिर भी मन भरपूर होने के कारण वे कभी अपने में कमी महसूस नहीं करेंगे। वो सदा ये गीत गाते हैं, पाना था सो, उनमें मांगने का संस्कार अंश मात्र भी नहीं। स्लोगन, पवित्रता ऐसी अग्नि है जिसमें सभी बुराइयां जलकर भस्म। पवित्रता ऐसी अग्नि है जिसमें सभी बुराइयां जलकर, पवित्रता क्या होती है, नो मिक्स। पवित्रता क्या होती है, नो मिक्स। तो मैं कौन हूं, मैं आत्मा। तो क्या खत्म हो गया, सारी बुराइयां खत्म। पवित्रता एक ऐसी आग है जो कोई भी बुराई सब भस्म। पवित्रता क्या मतलब, वंडरफुल बात ढूंढ के लाते हैं ना बाबा। पवित्रता एक ऐसी आग है जो सारी बुराइयां बस। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, या कोई प्रश्न है
तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन